फाइनली फ्रेंड्स मेरे हाथ में मेहंदी लग गई, बस एक ही हाथ में लगी है। मेरे हाथों में सजना के नाम की मेहंदी लगी है फ्रेंड, तो टमाटर मैं कटवा रही हूँ अपने हस्बैंड से। थक गई लगाते लगाते, इतना लगा लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे चेहरे पे पसीना देखिए, सब गर्मी का पसीना है। जब भी वीडियो ऑन करती तो फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो आज कल है करवा चौथ, तो कल सारी तैयारी मैंने कर ली। कल गई मैं रात को मार्केट, और आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। और अभी मुझे देखो मेहंदी भी लगानी है, तो साड़ी तो मैंने दिया है सिलने को, ब्लाउज और हाँ ये लड़की है, ये गर्ल्स है। और साड़ी दिया है मैंने फॉल लगाने के लिए और ब्लाउज सिलने के लिए, तो आज वो आ जाएगा, इसलिए साड़ी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पर कल जरूर दिखाऊंगी। और मैंने अपनी सासू माँ के लिए जो साड़ी लाई है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी मैं पी रही चाय, और टाइम हो रहा है शाम के 5:15 बज रहा है। तो सुबह से बिजी थी और कल की तैयारी करनी, कल ऐसा लग रहा कब जल्दी से कल आए, कब जल्दी से आए। पूजा का जितना सामान था वो सब मैंने ले लिया, और मुझे जो सिंगार में जो भी मुझे पहनना था, जो भी सिंगार के लिए जैसे नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर वगैरह सब, ये भी मैंने ले लिया। बाकी है क्या, चूड़ियाँ मुझे मिली नहीं, कांच की चूड़ियाँ ढूंढते ढूंढते थक गई, मेरी साड़ी से मैचिंग बट मिला नहीं, पर कोई नहीं, चूड़ी है और मेरी शादी का जो है वो पहन सकते हैं, शादी वाला जो जोड़ा होता है तो मैं वही पहन लूँगी। तो और अभी मैं पी रही हूँ चाय, तो अभी चाय पीने, और अभी मुझे मेहंदी लगानी। मेरे हाथ देखो, दोनों हाथों की देखो मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, मेहंदी लगी नहीं है, मुझे टाइम मिला नहीं कि मैं लगाऊं, लेकिन देखती हूँ अगर यहाँ जैसे पार्लर में मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं टाइम नहीं है, बच्चे भी ये परेशान करते हैं, बेटी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसे भी लगा देना, इसे भी करवा चौथ करना है होने वाली बीबी के लिए। तो देखती हूँ शाम तक का, उन्होंने बोला है फ़ोन करने को मेरे हस्बैंड ने, तो फिर जाके लगा लूँ। लगाना तो आता है लेकिन समय ना होने की वजह से मैं खुद से लगा नहीं पाऊंगी। ठीक, फिर यहाँ तक लगा देना। और साड़ियाँ तो लगभग हाँ रेडी हो गई होगी आज, तो आज मैं करूँगी भाभी को फोन, जिसके घर आपने वीडियो में देखा है भाभी को, जिया के घर कई बार वीडियो बनाया मैंने उनके यहाँ का, तो आज तो साड़ी आ जाएगा। बाकी पूजा का सामान मेरा जो भी सिंगार का सामान सब कुछ आ गया है। अब ये सोच रही हूँ जल्दी से कर लो, कल का व्रत करूँ, और बस ये मेहंदी बाकी रह गया। चूड़ी का सलूशन तो मैंने कर लिया, हो जाएगा। चूड़ियाँ हैं, भाभी ने साड़ी दिया था तो उस पर चूड़ियाँ हैं, बट वो चूड़ियाँ छोटी है, साइज में छोटी है, पर पहन के देखूँगी। साड़ी मायके का ही साड़ी है, मैं गांव गई थी तो साड़ी मिला था मुझे, दिया था भाभी ने मुझे, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं लिया। और ऐसे तो लहंगा लेती थी पर पड़ा है, तो वैसे भी काम आ गया करवा चौथ के लिए, मायके का ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दिखाऊंगी आप लोगों को साड़ी, अभी मैं चाय पी लूँ, फिर मैं अपनी सास के लिए जो साड़ी ली हूँ वो दिखाऊंगी। सर्दी हो गई है किट्टू को, मेरे बेटे को सर्दी हो गई है, मौसम चेंज होगा ना तो वैसे ही होगा, बच्चों को फीवर, सर्दी, जुकाम, बुखार, स्कूल जाने लगा तो कैसे इसका स्कीन हो गया है। तो मुझे सर्दी होता है, सर्दी होता है। ओके चलो चलो चाय पीते हैं। तो गाइज आ गई हूँ मैं यहाँ पे पार्लर में मेहंदी लगवाने, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं, और रात के बज रहे हैं 8:15 बज रहे थे, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं और आई थी पार्लर में लगवाने। और मैं लाइफ में पहली बार पार्लर में मेहंदी लगवा रही हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे खुद से मेहंदी लगाना आता है, मैं लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने आज तक पार्लर में कभी नहीं लगवाई मेहंदी, और आज ज़रूरत पड़ गई बच्चों की वजह से, इसलिए मैं आ गई लगवाने। और यहाँ तक कि मैं मेरी शादी में भी मैंने अपने हाथों से ही मेहंदी लगवाई थी, मैंने पार्लर वाली को नहीं बुलाया था, तो यही रीज़न है। तो
फाइनली फ्रेंड्स मेरे हाथ में मेहंदी लग गई, बस एक ही हाथ में लगी है, फोन की कमी थी इसलिए, और टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए भाभी बोली कल मॉर्निंग में आना, तो अब कल मॉर्निंग में आऊँगी। ये देख लो अच्छी मेहंदी लगी है, चलती हूँ अब घर। बेटा रखो नमकीन भी लेते हो। मेरे हाथों में सजना के नाम की मेहंदी लगी है फ्रेंड, तो टमाटर मैं कटवा रही हूँ अपने हस्बैंड से, एक हाथ से कैसे काटूँ, सब्जी बनाना है, सब कुछ कर लिया है, बस टमाटर नहीं कट किया था। अभी आ रही हूँ मार्केट से, और अभी अभी आ रहे, मुझे आ गए थे वहाँ लेने पार्लर में। तैयारी में करके गई थी, आलू को भी फ्राई कर लिया था, सोयाबीन को भी, और बस प्याज भी थी। एक हाथ में मेहंदी लगी है, तो सोचो खाना कैसे बना पाऊंगी मैं, फिर भी बना रही हूँ लेफ्ट हैंड से, अभी राइट हैंड में लगाना बाकी है। इतना टाइम हो गया था कि अब मैं वहाँ जाऊँगी नहीं, खाना वाना खा के सब काम करके फिर अब खुद से ही लगा लूँगी इस हाथ में, क्या करूँ, लेट हो रहा है, खाना देखो बन रहा है, तो सीधे अब मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने हाथों की मेहंदी ये निकाल देने, ऐसे भी ड्राई हो चुकी है, और मेरे हस्बैंड गए हुए अभी मेहंदी लाने, मेहंदी का फोन साथ में लगाऊंगी, हाँ, और कुछ पूजा के सामान और कुछ किचन का सामान लाने गए हैं, तो उन्होंने बोला मैं अभी जाके ले आता हूँ, मुझे फिर सुबह सुबह उनको अभी जाके ले आता हूँ, ना सुबह सुबह उनको हेडेक होता है, तो क्योंकि रोटी भी बनानी है और 10 बज चुके हैं, 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो जा रही हूँ इसको निकाल के, अब मैं जाती हूँ रोटियाँ बनाने। और मेहंदी छुड़ाने का रीजन्स ये भी था कि मैं रोटियां कैसे बनाती, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड तो आ गए थे ऑफिस से, मुझे लेके भी घर आ गए थे, लेकिन गए थे वही पूजा का सामान लेने, और भी चीज़ें लेनी थी, और मंचूरियन लेके ही आए थे वो पहले से ही, पर हमने खाया नहीं था, तो उनको आने में हो गया लेट, इसलिए मैंने अपना मेहंदी छुड़ा के फिर यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी, पहले मंचूरियन खाया फिर रोटियाँ बनाई, क्योंकि बनाती नहीं तो खाती भी कैसे, ऐसे भी मेहंदी छुड़ाना ही था। यू सोचा मुझे डिस्टर्ब मत करो बेटा प्लीज़, अभी मुझे देखो मेहंदी भी लगानी है, जा रही मेरी साथ में मेहंदी लगाने, और अभी टाइम बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, दिखता नहीं है, हाँ देखो 11:45 हो रहा है, बेटा सो गया पर उसे नींद नहीं आती है, उसे नींद नहीं आती है जल्दी से, और वही ज़्यादा परेशान करती है, ये भले जगह होता कोई बात नहीं था, पर वो जग रही है, लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा मुझे, फिर भी जाती हूँ लगाती हूँ। तो का काटा कैची ले रखी। तो गाइस अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैं अभी दूसरे हाथों में लगा रही हूँ मेहंदी, मैं मुझे पार्लर नहीं जाना है, मुझे बकवास लगा पार्लर वाली का मेहंदी का डिज़ाइन, बिल्कुल भी उसके लगाया हुआ डिज़ाइन तो बिल्कुल मुझे दिख नहीं रहा था, ऐसा देखो मेरा मानना है, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताना है कि पार्लर वाली का मेहंदी अच्छा है लगाया हुआ, या मेरे खुद के हाथों से जो लगाया है वो अच्छा है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगा पैसा मैंने वेस्ट किया है, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार लगवाई भी तो भी घटिया मेहंदी लगवाई। मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई, कैसी लग रही है मेहंदी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगा, ऐसा लगा ना थक गई लगाते लगाते, इतना लगा लिया, आगे देखिए मेरे हस्बैंड का नाम एन थोड़ा सा मिट वो हो गया, तो पीछे ना मेरा मन नहीं किया ज़्यादा कुछ करने के, इसलिए मैंने सिंपल ऐसे ही लगा लिया, वरना मैं पूरे यहाँ तक लगाती, पूरा फुल लगाती, और अभी ना 2:45 बज गए हैं, और मुझे 3:30 बजे उठना भी है, तो इसलिए 3:30 क्या, हाँ 3 बजे ही उठूँगी, इसलिए थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेहंदी कैसी लगी, कैसा लग रहा है। और ये मेहंदी लगाया है, जब सूख जाएगी ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आप लोग जरूर कमेंट करना कि कैसा है। 1:45
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सुड गुड बाय। और हाँ, मैंने अपने मैं अपनी सास के लिए जो साड़ी लाई थी वो दिखा नहीं पाई, पर अब सब मैं कल दिखाऊंगी। मेरी साड़ी भी आ गई, मैं कल ही दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी बज रहे हैं रात के 3:30, मेहंदी मेरी सूख गई है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। वो सरगई करना होता है तो इसलिए अचानक मेरी नींद खुली तो मैं आई हूँ चाय बनाने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय सरगई करने के लिए। उसे चाय पिया ही नहीं जा रहा, आज भी समय हो रहा है इसलिए मैं छोड़ दिया। थोड़ा सा इसमें डाल के पिया, बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। पानी पी लिया बस।